एवं डॉक्टरी मीडिया से बधाए हुए सभी सदस्यगण, आपका इस आदिनाथ विक्रम जैन भवन में आपका हार्दिक स्वागत। इसके बाद यहाँ से बिहार करके फरवरी के अंदर पंचकल्याण है, उत्तरदा के बाद में पालोदा जाएंगे, पालोदा में पंचकल्याण है, उसके बाद अप्रैल के अंदर में टोड़ा गांव है, मैं सरम पंचायत क्षेत्र के अंदर टोड़ा ग्राम पंचायत में आऊँगा। 19 को हमारे पंचकल्याण का झंडा रोहण है, 19 जनवरी से हमारा पंचकल्याण पंच का महोत्सव आचार्य श्री की शादी होने जा रहा है। आप इसको थोड़ा हाईलाइट करके प्रचार प्रसार पूरा करें, ध्यान देवें मीडिया से, जिससे जन समाज का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गए। और बहुत ही सौभाग्यशाली है कि परम पूज्य बाल योगी समता शिरोमणि आचार्य सुखपालनंद जी महाराज के सानिध्य में इस पार्श्वनाथ भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य शुभारंभ का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जो 19 से 26 जनवरी तक शाहीबाग महावीर नगर के शाहीबाग प्रांगण में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसकी कार्यक्रम की सारी तैयारियां पंडाल वगैरह होटल सला बन रही है। आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि आचार्य श्री के बारे में हम क्या बताएं, इस उम्र में जितनी प्रतिष्ठाएं आपने इस हिंदुस्तान में की है, चाहे अहमदाबाद, चाहे बम्बई, चाहे सूरत, चाहे भागलपुर, हर व्यक्ति आपके लिए प्रतिष्ठा के लिए लालायित रहता है। और साधु जगत के इतिहास सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा आपने कर रही है और भविष्य में भी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप नाम कर पाएंगे कि एक मनुष्य भी भगवान बन सकता है। हर मानव चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, यानी मानव समाज के उत्थान की बात की दूसरा प्रतिष्ठा हो सकती है कि प्रत्येक घर में नारायण करने की कला है, प्रत्येक घर में नारायण करने की शक्ति है, उसके भीतर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको उजागर करने की कला है प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। लड़ से नारायण करने की कला, कंकड़ से संजय करने की कला, पाषाण से परमात्मा बनने की कला, पतित से पावन बनने की कला, मानव से भगवान बनने की कला, ये कला जिस महोत्सव के निमित्त से सबको बताई जाती है उसका नाम है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव खाली एक जातीय संप्रदाय का संबंध, इसका उद्देश्य ये है कि चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे कोई भी जाति को मानने वाला हो, चाहे कोई भी संप्रदाय को मानने वाला हो, उसके जीवन में सदैव खुशहाली रहे और पूरे विश्व में शांति। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंत में विश्व शांति माया भी कहते हैं, जो आज चारों तरफ एक जो हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है और अराजकता का माहौल चल रहा है, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार आदि का माहौल चल रहा है, इंसान को इंसान पर से भरोसा उठ रहा है, नेता पर से भरोसा उठ रहा है, ऐसे समय में राजा और प्रजा, नेता और प्रजा के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और पूरे विश्व में तमाम देशों में आपस में सामंजस्य प्राप्त कराने के लिए, कि आपस में मित्रता प्राप्त कराने के लिए ये विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन इस महोत्सव के अंत में किया गया और पूरे विश्व में सुमित स्मरण और सामंजस्य बनने का उद्देश्य मिलते हैं कि हर जनता प्रजा सुखी रहे, पूरी धरती स्वर्ग की तरह सुंदर रहे, इसके नाम और लोगों में मतलब जो मन जिसके बिखरे बिखरे रहते मन जुड़ते हैं आपस में सामंजस्य स्थापित होता है, तभी लोग आकार का माहौल पैदा कर रहे थे कि इस साल आकार होगा 2011 में लेकिन इतने तक नाम मंडल विधान किया, अनुष्ठान किया, आसमान से इतने खूब जल बरसाई, जो तालाब सूखे पड़े थे तालाब जल से दोबारा भर गए, फिर मतलब इस तरह के अनुष्ठान करने से किसी तरह का प्राकृतिक विप्लव से विप्लवा भी बचा होता है, फिर भी जो बीच बीच में धर्मवादी या अन्य जो विप्लव होते रहते हैं तो
प्रकृति अपना काम करती है और हम अपना धार्मिक करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसे समय पर सबकी भावना अच्छी होती है, धीरे धीरे इस प्रकृति पर शांति कायम होगी, ऐसा विश्वास है कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट है, ये तो अपन सुनते हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले, इसके उपाय के बारे में डिस्कस किया, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, जरूर सफल।